एक नए शायर थोड़े एक दो मिनट के लिए शायरी पढ़ेंगे उनका नाम है अजरुद्दिन. अच्छा उद्दीन हाथ उठा के हाथ उठा के अब तक तो सिर्फ उतने बैटिंग में देखा तार्ण... था साथियों शायरी का काम किया आप लोग ने मुझे बिल्कुल तो नाइन साफ ये मैं क्रिकेट ही बहुत बड़ी मुश्किल से खेला हूं अब आप शायरी पढ़ो बोलो तो कहाँ से पढ़ सकता हूँ इतने बहुत से लोग बैठे हैं इतने बड़े बड़े शायर बैठे हैं उनके सामने मैं तो इमरान भाई बैठे हैं रात भाई है रात भाई बुद्ध बुद्ध सलाम भाई बिल्कुल मुझे आती नहीं अभी क्या भूल गया मैं अभी देखिए बिल्कुल याद ही रात भाई अभी गाड़ी में बैठे थे पैंतीस मिनट तक शायरी सुना रहा था पैंतीस मिनट और मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं पीछे से दस आवाजें आएगी अब एक सुना दो ना यार आते नहीं नहीं आज सही बात बोल रहे लो ऐसे ही बता रहे हैं अब जैसा जो तो लोग टॉयलेट में बैठ के गाना गाते मैं भी वैसे ही थोड़े थोड़े ऊपर नीचे बता मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके और आप लोग ने इतना अच्छा लुत्फ ले रहे हैं यहाँ पे सब मैं जैसा कि आपको कहा जब लोग जब शायरी करते हैं जब पढ़ते हैं तो आप लोग बिल्कुल खामोशी खामोशी से और एहतराम से सुनना चाहिए क्योंकि आज जो इतनी दूर से लोग आए हुए हैं आपको इज़्ज़त आप उनको इज्जत देनी चाहिए जैसा आप ऐसे ही क्रिकेट का मैदान थोड़ी यहाँ पे आप पुकार ले तो प्लेयर को उसके कान पे जूं भी नहीं पड़ती वो तो अपना खेलते रहता बट यहाँ पे लोग पढ़ने आते हैं तो बिल्कुल उनका एहतराम करना और इतनी आवाज़ इतनी आप कर देते हैं जो जिससे लोग जो सुनने आते हैं उनके नहीं होते बट मुझे यहाँ पर उमरा में आके बहुत बहुत खुशी हो रही सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और राजू भाई का भी शुक्रिया अदा करूँगा उन्होंने बहुत बहुत फॉलोअप uh, किया नहीं तो यहाँ पे मेरा ख्याल में पहली बार आ रहा हूँ मैं मुमरा कभी आया नहीं था मुझे याद नहीं है पर लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप जब तक जितेंद्र दिन्द भाई इलेक्शन लड़ेंगे ता हयात तक आप इनको जुटाते रहना वरना पीछे वाले हाथ ही नहीं उठा रहे हाँ देखिए तो आप करिए मुझे बहुत खुशी में बहुत बहुत शुक्रिया इनकी स्वागत के लिए और एक शायरी आपको बोलनी ही होगी पूरे हाथ उठा के गई हाँ है पूरे सबके हाथ ऊपर करो ऐसे नहीं छोड़ेंगे बॉस मैं मेरी शायरी नहीं है किसी ने बोला तो मैंने उसकी नकल कर दूंगा क्योंकि मैं नकल करने में अच्छा था क्योंकि बैटिंग में भी किसी की थोड़ी बहुत नकल करके ही खेलता था बोलता है तू तो कहीं भी रहे तेरे सर पर इल्जाम तो है तेरी हाथ की लकीरों पे मेरा नाम तो है अरे वाह तू तू मुझे अपना बना या ना बना तेरी खुशी मेरे नाम से शहर में नहीं पॉपुलर तो है आच्छा, आच्छा। नाम <laughs> और बदनाम है तो क्या है नाम तो है जी जी आ, मैं तो मैं तो मोहतरम जितेंद्र अवार्ड साहब की मौजूदगी में मोहतरम मौ, अजहरउद्दीन साहब से एक बात कह सकता हूँ अजहर भाई चूंकि क्रिकेट के बैकग्राउंड से है अभी पिछले दिनों टेलीविज़न पर एक विज्ञापन क्रिकेट का आता था एक जूनियर क्रिकेटर एक सीनियर क्रिकेटर से कहता था कि सर हम आपकी टीम में कभी भी आ सकते हैं आप हमारी टीम में कभी नहीं आ सकते तो मैं से कह सकता हूँ कि आपने जिस एतम के साथ शेर सुनाए हैं और उस उन मिसरों का मतलब लोगों ने बहुत दूर तक लगाया है तो इससे अंदाज़ा लगता है कि आप हमारी टीम में कभी भी आ सकते हैं और अब हम चाहें भी तो क्रिकेट नहीं खेल सकते तो ये ये कमाल है आपका बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आपने इस अदबी और तहज़ीबी रात में आज जितेंद्र अवार्ड साहब की क्यादत में जो मुशायरा अपना सफ़र तय कर रहा है इस मुशायरे में हमारा साथ दिया है मोहतरम शमीम खान साहब इस मुशायरा कमेटी के अहम रुकन हैं इन्होंने मुंबरा में ही नहीं मुझे एक बात का यहाँ ऐलान करना है कि इन्होंने अपने वतन में सिद्धार्थ नगर में इनका गांव है जमुनी वहाँ पर मोहतरम जितेंद्र अवार्ड साहब के जश्न के तौर पर एक ऐसे ही एक बड़े मुशायरे का इनका किया था और उसका उनवान भी यही था कि एक शाम आपकी मोहब्बतों के नाम मुझे वो रात आज तक याद है और इन्होंने आज फिर ऐलान किया है कि आने वाली अट्ठाईस मई को उसी गाँव में फिर से जितेंद्र अवार्ड साहब का जश्न मनाया जाएगा और माफ 18 मई हाँ 18 मई अठारह मई को फिर से मोहतरम जितेंद्र अवार्ड साहब का जश्न वहां मनाया जाएगा और इसी तरह का एक तारीख साज कुल हिंद मुशायरे का इनका होगा और एक और मुशायरे का पर्चा मेरे पास है परवेश फलाही ग्रुप की जानब से कुल हिंद मुशायरे का इनका बारह मई को मौजा शेखूपुर आजमगढ़ में किया जा रहा है जनाब डॉक्टर सागर आज़मी साहब की याद में यह मुशायरा हो रहा है मैं यहाँ जितने भी लोग उस इलाके के हैं अगर उन तक ये इतना पहुंच जाए तो वो उस मुशायरे में शरीक हो सकते हैं बहरहाल बहुत शुक्रिया